फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी कॉर्न स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमने लिए हैं एक बाउल कॉर्न, कटे हुए प्याज, कटी हुई गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च और कटे हुए टमाटर। टमाटर और शिमला मिर्च से हमने बीज निकाल दिए हुए हैं क्योंकि स्टार्टर में बीज अच्छे नहीं लगेंगे। और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। आप जो भी सब्जी डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कॉर्न को अच्छे से धोकर इसे उबाल लेंगे। अब ये हमने कॉर्न को गैस पर उबालने के लिए रख दिया है। इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, ज्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे हम इसको। अब ये पानी में उबाल आ गया है, इसे हम 10 मिनट तक पकने देंगे। इसे हमने 10 मिनट पका लिया है। अब हम गैस को बंद करके इसे छान लेते हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। इसे हमने छान लिया है। अब हम इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। ये कॉर्न हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड कर देते हैं। एक चौथाई चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कॉर्न फ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अभी हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम अपने कॉर्न फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़े थोड़े करके हम डालते रहेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। अभी हमारे कॉर्न क्रिस्पी हो गए, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमने सारे कॉर्न फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा तोड़कर अलग कर लेते हैं। अभी हमने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। एक चम्मच तेल डाल दिए। अब हम इसमें अपने कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसे थोड़ा पकने देंगे। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम इसमें कटी हुई गाजर डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे। टमाटर हम बाद में डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आपको अगर कटी हुई पसंद है तो आप कटी हुई भी डाल सकते हैं, इससे इसकी थोड़ी स्पाइसी फ्लेवर हो जाएगा। अब हम इसमें अपने टमाटर डाल देते हैं। अभी थोड़ी पक चुकी है। अब हम इसमें अपने कॉर्न ऐड कर देते हैं। अभी इसे अच्छे से मिला लेते हैं। देखने में भी काफी अच्छी है और कलरफुल लगी है। अब इसमें थोड़ा नींबू ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं।
इसमें मैंने एक नींबू डाल दिए, तो नींबू में इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये बनके तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न स्टार्टर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।